हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपके पास बहुत ही अच्छी रीडिंग लेके आया हूँ। और आज की रीडिंग है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन का आपके लिए क्या एक्शन होगा, क्या मूव लेंगे आपके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है जो रेजोनेट करे रखे, रेजोनेट ना करे जाने दें, सभी जेंटर्स के लिए है। तो आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं या रिलेशनशिप में रहते हुए भी कुछ उनके संतोषजनक या सेटिस्फाई भरे जवाब आपके को नहीं मिल रहे हैं, तो देखते हैं कि अगले 24 घंटों में उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होता है। लेट्स सी, रीडिंग छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में देखते हैं पर्सन आपके का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। लेट्स सी, चैरियट, स्टार एंड चैरियट, अमेजिंग, थ्री ऑफ कप्स, तो कार्ड आए। लेट्स सी, वन मोर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही अच्छा आया है कार्ड। पहला कार्ड है द स्टार। स्टार कार्ड कुछ इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए कि एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में है वो इस वक्त, एंड होप है। होप कीजिए कि आपको वो मैसेज करेंगे, क्योंकि वो अपने फुल एनर्जी में है इस वक्त। एंड फेथ रखिए, क्योंकि यहाँ पे वो उनकी हीलिंग हो चुकी है, उनकी हीलिंग हो चुकी है, जिस कारण वो आपसे दूर गए थे उनकी हीलिंग हो गई है। एंड उनका एक जो कायाकल्प कहते हैं उसको, रिजुवेनेशन जिसको कहते हैं, वो हो चुका है। एंड वो एक रिन्यूअल चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, एक उनके साथ रिन्यूअल चाह रहे हैं। और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें उनके लाइफ में हो रही हैं, और ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है आपका। एंड मुझे लगता है कि जो एक्शन है वो आप लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनको होप आ चुकी है आपके लिए, होप आ चुकी है, फेथ है, पॉजिटिव है आपके बारे में। चाह रहे हैं कि रिन्यूअल हो, हीलिंग हो जाए, जो भी डैमेजेस हुए थे आपके उनके बीच में रिलेशनशिप में, वहाँ पे हील हो जाए, तो वो अब चाह रहे हैं। एक्शन का इसमें कुछ अभी निकल के नहीं आया है, अगले कार्डों में देखते हैं क्या है। तो चैरियट बिल्कुल आ रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के द्वारा, क्योंकि यहाँ चैरियट कार्ड है। मुझे लगता है कि 7 आवर्स में काफ़ी सारे लोगों को आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्शन की, मूव की रीडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कार्ड चैरियट जो निकल के आया है, साफ इंडिकेट कर रहा है कि मुझे लगता है कि अगले 5 या 7 घंटों में उनका मैसेज आपके लिए आ रहा है, और वो चाह रहे हैं कि रियूनियन हो और रीस्टार्ट हो, क्योंकि वो अपने पूरे शबाब पे हैं, बिल्कुल हील कर चुके हैं आपके लिए। तो यहाँ पे उनका मैसेज अगले 7 घंटों में मुझे लग रहा है आ जाएगा, 5 घंटों में भी आ सकता है। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि जो लड़ाई आपके साथ हुई वहाँ पे अब हीलिंग हो चुकी है, उस चीज़ से आप निकल चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है उनमें आपके साथ फिर से दोबारा जुड़ने के लिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है कि थर्ड पार्टी में अगर हैं तो वहाँ से भी निकलने के चांसेस हैं अगले कुछ घंटों में। एंड 24 आवर्स में मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आने वाले हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आपको पार्टी का या कहीं डिनर का ऑफर दे सकते हैं दोबारा मिलने के लिए, जिससे कि आप लोग के जो रिलेशनशिप है उसमें फिर से एक मिठास आनी शुरू हो जाएगी। एंड मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी आज जस्ट मैसेज आने ही वाला है, डायरेक्ट मैसेज आने वाला है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आएगा आपके पास। और जो उन्होंने अब निश्चय कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हीलिंग कर ली है अपनी, स्टार कार्ड ऑलरेडी बता चुका है, डायरेक्ट मैसेज आएगा। थोड़े से अब बेकाबू हो रहे हैं आपके बिना, आपके बिना बेकाबू हो रहे हैं वो, और यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट भरा एक मैसेज लेंगे, हिम्मत करेंगे, फोकस्ड हैं आपके तरफ पूरी तरह से, और इस बार परफेक्ट ढंग से आपके पास आने की सोच रहे हैं।
एंड उनका एम्बिशन यही बन चुका है कि अगले कुछ घंटों में तो आपको कॉल करेंगे ही करेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को मैसेज ये रीडिंग जब तक देखेंगे उसके बाद से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सो डायरेक्ट मैसेज इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट लाइन में भी आप बताइएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड उन्होंने अब निश्चय कर लिया है। बहुत से थोड़े लोग जो हैं उनके लिए अगला 24 घंटा जो है में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है, क्योंकि अभी वो आत्ममंथन कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स बता रहा है, थोड़े से आपके लिए आत्ममंथन कर रहे हैं, मूव ऑन आपके आपसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनका मन किया, क्योंकि उनके मन पे ही डिपेंड सब कुछ है, क्योंकि वो अभी आपके बारे में आत्ममंथन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी, अभी भी कुछ लोग हीलिंग में ही हैं, तो यहाँ अभी मूव ऑन है। तो अगले 24 घंटों में तो कम से कम नहीं लग रहा है कि वो मैसेज करेंगे, लेकिन यहाँ एक चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 24 घंटों के बाद जो आत्ममंथन उन कर रहे हैं, तो 24 घंटों के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ होने के चांसेस हैं, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं आपको। लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों के लिए जिनका बहुत हार्ड ब्रेकअप हुआ है या डिसीज़न लेने में कठिनाई हो रही है आपस में, तो उनका मैसेज अभी 24 घंटों में तो कम से कम आना थोड़ा सा मुश्किल है। एस ऑफ कप्स बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, एस ऑफ कप्स नया प्यार आ रहा है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं और अपने पिछले रिलेशनशिप से डायरेक्ट बाहर आ चुके हैं और नहीं चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप दोबारा शुरू हो, तो यहाँ पे हीलिंग हो चुकी है उनकी, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है और नया प्यार आ रहा है आपके लाइफ में, बिल्कुल नया प्यार आ रहा है, और एक ऐसा प्यार आ रहा है जो डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड तो है ही, और जो जो एक आइडियल पर्सन आपके लव लाइफ में आपको चाहिए थे वो ऐसा पर्सन आपको मैसेज कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन से आपकी काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी लेकिन डिसीज़न नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट मैसेज और आपके फेवर में जाएगा। तो यहाँ पे आज की आपकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, यानी कि नेक्स्ट 24 घंटों में आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, उसकी मैंने रीडिंग कर दी है।